नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी यूपीएससी करंट अफेयर्स की सीरीज में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए समझते हैं प्री टर्म वर्थ पर WHO की रिपोर्ट। अभी हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने प्री टर्म वर्थ पर एक रिपोर्ट जारी की है जिसका शीर्षक वॉर्न टू सून डिकेड ऑफ एक्शन ऑन प्री टर्म वर्थ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष और मातृ, नवजात शिशु और बाल स्वास्थ्य के लिए भागीदारी ने इस रिपोर्ट को तैयार करने में सहयोग किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2020 में लगभग 13.4 मिलियन बच्चे समय से पहले पैदा हुए थे और इनमें से 10 लाख बच्चों की मौत का कारण समय से पहले पैदा होना यानी प्री टर्म वर्थ था। यह रिपोर्ट बताती है कि हर 2 सेकेंड में पैदा होने वाले बच्चों में एक बच्चा प्री टर्म वर्थ का शिकार है और हर 40 सेकेंड में इनमें से एक बच्चे की मौत हो जाती है। वैश्विक प्री टर्म जन्म दर 2020 में 9.9% तक पहुंच गई है, जो कि 2010 में यह 9.8% थी। रिपोर्ट के अनुसार दक्षिणी एशिया और उप सहारा अफ्रीका क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर 65% से अधिक प्री टर्म जन्मों के लिए जिम्मेदार है। 2020 तक के आंकड़े बताते हैं कि सभी प्री टर्म वर्थ में से लगभग 45% बच्चे 5 देशों, भारत, पाकिस्तान, नाइजीरिया, चीन और इथोपिया में हुए। भारत की बात करें तो पश्चिम बंगाल में ऐसे जन्मों का 16%, तमिलनाडु में 14% और गुजरात में 9% के करीब प्री टर्म वर्थ रिकॉर्ड की गई है। प्री टर्म वर्थ सामान्य गर्भावस्था से पहले होने वाले शिशु जन्म को प्री टर्म वर्थ कहा जाता है। ये गर्भधारण के 37 सप्ताह पूरे होने से पहले बच्चे के जन्म को संदर्भित करता है। WHO द्वारा प्री टर्म वर्थ को 3 श्रेणी में रखा है, एक्सट्रीमली प्री टर्म, वेरी प्री टर्म और मॉडरेट टू लेट। प्रीटर्म वर्थ बाल मृत्यु दर का प्रमुख कारण है तथा इसके साथ ही प्रीटर्म वर्थ वाले बच्चों में विकलांगता और विकास संबंधी समस्याओं के साथ आजीवन गंभीर स्वास्थ्य परिणामों का सामना करना पड़ता है।